ओके okay, so पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया था एक्सएमएल पूरा एक्सएमएल यूज किया था और मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया था कि कैसे हम लोग स्प्रिंग एमबीसी को कॉन्फिगर करेंगे साथ ही साथ में हमने ये आपको सिखाया था कि भाई स्प्रिंग एमबीसी ही नहीं कुछ भी अगर कॉन्फिगर करना है तो यह एक स्टैंडर्ड तरीका है बीन बनाइए चीजें कॉन्फिगर हो जाएंगे तो पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए इंटरव्यू का क्वेश्चन था जिसको हम लोग ने सॉल्व किया इस वीडियो में हम लोग देखें कैसे विदाउट टचिंग एग्जामल हम एग्जामल को नहीं टच करेंगे और जावा को सिर्फ यूज़ करके कैसे हम लोग कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जावा को यूज़ करेंगे और जो चाहो आप कॉन्फिगर कर सकते हो हम लोग लेकिन कॉन्फिगर करेंगे जावा को यूज़ करके स्प्रिंग एम क्योंकि स्प्रिंग एम थोड़ा सा टफ होता है बाकी तो बीन्स बनानी है सारा काम हो जाता है तो हम लोग जावा को यूज़ करेंगे हाइब्रिड मोड नहीं यूज़ करेंगे सिर्फ जावा यूज करेंगे एंड हर चीज़ एग्जामल के हटा देंगे हम लोग टच भी नहीं करेंगे अपने कोड को ठीक है अपने एग्जामल वाले कोड को तो ये हमारा एक्चुअली सोर्स कोड है एंड यहां पे हमारे पास जावा के कुछ क्लासेस थी कंट्रोल थे जो हमने बनाए थे एक सर्विट बनाया था स्टार्टिंग में ठीक है एंड साथ ही साथ में हमारे पास एस को ओपन करें मेन को ओपन करें वेब ऐप्स को ओपन करें या वेब ऐप को ओपन करें तो हमारे पास वेब आई के अंदर स्प्रिंग डैश सर्विट डॉट एग्जामल फाइल थी ये हमारी स्प्रिंग की कॉन्फर्गेशन थी एंड मैं क्या करूँगा एक काम करते हैं एक काम करते हैं इसको कहीं ऐड कर लेते हैं हम लोग एक यहीं पे वेब्स पे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक फ़ाइल बना लेता हूँ नोट डॉट टैक्स फाइल ये कोड डाल देते हैं भाई ठीक है ये कोड मैं कॉपी करूँगा एंड इट इस नोट डॉट टेक्स फाइल के अंदर डाल दूँगा ठीक है एंड साथ ही साथ में मैं वेब डॉट एक्ज वाला कोड भी कॉपी कर लेता हूँ एंड इस नोट डॉट टेक्स में सबसे नीचे डाल दूंगा तो बीन्स के जस्ट नीचे या सबसे पहले ऊपर वो डाल देते हैं फिर ये डाल देते हैं ठीक है यहाँ से आप उठा लीजिएगा तो मैं पेस्ट किया एंड एंटर करके मैंने कुछ ऐसा बना दिया है ठीक है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा ठीक है ये कोड सिर्फ मैंने रेफरेंस पर्पज के लिए डाल दिया बाकी मैं क्या करूंगा स्प्रिंग सर्वेट को भी मैं राइट क्लिक करता हूं डिलीट डिलीट वेब एग्जमल को भी डिलीट हंडलीट इतना करने के बाद सब कुछ हमारा जा चुका होगा, होगा। मतलब अगर एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन नहीं चलेगा ना सर्वेट चलेगा ना कुछ चलेगा ठीक है तो अब क्या करने वाले अब हम लोग जो वेब डॉट एग्जमल का काम था वो हम लोग जावा क्लास से ही करेंगे एंड जो स्प्रिंग सर्वेट का काम था वो भी हम लोग जावा क्लास से करेंगे सब चीज़ जावा क्लास की हेल्प से ही करेंगे तो वेब आई को अब बंद कर देते हैं एंड हम लोग जावा सारी स्लैश मेन स्लैश जावा पर रेटक्लिक करेंगे और एक पैकेज बनाएंगे जहाँ पे कॉन्फिकेशन सब रख हम लोग रखने वाले हैं तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा कॉम डॉट कॉन्फिक्ट क्लास बना लूँ एंड इस कॉन्फिक्ट क्लास पे मैं सबसे पहले एक क्लास बनाऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन को इनिसलाइज करेगा और इनिसलाइज करते समय ही हमारे वो सर्वलेट को एड कर देगा डिस्पैचर सर्वलेट को किसी ई वायरल पैटन पर तो हम स्लैश यूज़ करेंगे स्लैश ईवायरल पैटर्न पर सर्वलेट को uh, मैपिंग उसकी सर्वेट डिस्पैचर गया डिस्पैचर सर्विट की मैपिंग ऐड कर देगा तो जब भी आप स्लैश के बाद कुछ भी फायर करोगे तो डिस्पैचर सर्विट के पास हमारा रिक्वेस्ट चला जाएगा वही काम हम लोग बेबड्रोड एग्जाम से भी कर रहे थे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बात कर रखी तो इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ ऐप इनिट ऐप इनिट एक तरीका और बताऊँगा दो तरीके मैं बात करूंगा तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं एंड ये इस क्लास का कोई एक मैथड जैसे ही हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जैसे हमारा एप्लीकेशन चले अपने आप से चल जाए तभी तो वो इनिशियलाइज़ करेगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा ये काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है इंटरफेस जो कि जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे वेब एप्लीकेशन इेसलाइजर ये देखिए ये क्या करेगा ये हमारे वेब ये हमारे वेब एप्लीकेशन को इनिसलाइज करेगा दैट मीज तो इसका एक मेथड है वो ऑन लोड पे या ऑन स्टार्ट पे जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो मेथड चल जाएगा और वो उसके अंदर जो हम काम करेंगे वो सब चीज़ हमारा कर देगा तो इस पर इस एरर पे आएंगे एंड यहाँ पे अगर आप विंडोज में हो तो कंट्रोल वन या फिर कमांड वन क्लिक करके एड अनइम्प्लीमेंटेड इंप्लीमेंटेड मैथड पर क्लिक करजिए तो ये ऑन स्टार्टअप ये ऑन स्टार्टअप मैथड है ऑन लोडिंग ऑन स्टार्टअप मैथड है आप देख सकते हो देख सकते हो इसके बारे में सब चीज़ उन्होंने दे रखा है कॉन्फिगर द गिवन सैलबेट कॉन्टेक्ट विद एनी सर्वलेट फिल्टर लिसनर तो यहाँ हम कॉन्फिगर कर सकते हैं को विद एनी फिल्टर लिसनर एंड नेसेसरी फॉर द वेब एप्लीकेशन तो यहाँ पे हम वो सब चीज कॉन्फिगर कर सकते हैं जो नेसेसरी है वेब एप्लीकेशन को नाइज करने के लिए तो मैं यहाँ बिल्कुल करूँगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अपना इस सर्वेट कॉन्टेक्ट में एक अपना क्या ऐड करता हूँ सर्वेट ऐड करता हूँ सर्वेट ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे

सपरेट हो जाएगा बट हम लोग इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं जो ले रहा है न्यू जेनरिक एक जेनरिक ये जेनरिक वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स लेता है तो ये वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड ये जेनरिक वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट क्रिएट अ न्यू जेनरिक वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट ठीक है इसके इस क्लास के क्लास के बारे में और चीज़ें देख सकते हो बेसिकली ओके ये हमारे कॉन्फिगरेबल वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है एंड इसके बारे में आप पढ़ सकते हो इम्प्लीमेंट्स बट नॉट इन ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया मतलब हमने इस लाइन से क्या किया ये आप समझिए इस लाइन से हमने इस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे एप्लीकेशन के सर्वेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने अपना सर्वलेट ऐड कर दिया डिस्पैचर सर्वलेट एंड ये हमें एक 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 ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा डायनेमिक ठीक है एंड ये डायनेमिक कहाँ से आ रहा है ये सर्वलेट रजिस्ट्रेशन के अंदर डायनेमिक आ रहा है सर्वलेट रजिस्ट्रेशन के अंदर से डायनेमिक आ रहा है तो इस इस सर्वलेट की हेल्प से हम वो दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं एक तो हम मैपिंग ऐड कर सकते हैं ठीक है तो हम यहां पे सर्वलेट डॉट एक हम ऐड कर सकते हैं इसमें ऑन लोड ठीक है या हम लोग यहां पे सेट लोड ऑन स्टार्टअप यहां पे वही तीन चीजें पास कर सकते हैं सेट द लोड ऑन स्टार्ट प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं तो मैं यहां पे वन पास कर दूंगा ठीक है सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए सर्वलेट डॉट

config no station config web application context ये देखिए ये जो क्लास है ये एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रही होती है वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन विच एक्सेप्ट कंपोनेंट क्लासेस तो हम इस के अंदर वो कंपोनेंट क्लासेस पास कर सकते हैं इन पर्टिकुलर जिस क्लासेस को जिन क्लासेस को ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लगाओ बट आल्सो प्लेन प्लेन कंपोनेंट भी हम यहां पे पास कर सकते हैं एज ठीक हाँ, है कम क्लासेस ओके ओके अलाउ फॉर रजिस्टरिंग क्लासेस वन बाय वन तो ये अलाउ करेगा वन वन बाय क्लासेस एज वेल एज क्लास पाथ स्कैनिंग तो ये क्लास क्लास पाथ स्कैनिंग वगैरह हम इससे इस स्पेसिफाई कर सकते हैं मैं कहूँगा ठीक है बस आप देखते जाइए इसका भी आसान तरीके में बताऊंगा बट ठीक है आप यहाँ पे वेब कॉन्टेक्सट ले लो एंड न्यू एनोटेशन बेस्ड अप्लीकेशन कॉन्टेक्सट एंड नो एनोटेशन वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्सट एंड इसके अंदर हम हम यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं एड एनर पास कर सकते हैं और यहाँ पे न्यू वेब एप्लीकेशन या कॉन्टेक्ट लोडर लिस्टर कॉन्टेक्स्ट लोडर लिस्टर ठीक है एंड यहाँ पे हम अपना ये वेब कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं ठीक है अब इसकी हेल्प से हुआ क्या हम इससे पहले अपने इस वेब कॉन्टेक्स्ट पे वेब कॉन्टेक्स्ट पे डॉट यहाँ पे हम लोग स्कैन करा सकते हैं अपने

कॉम पैकेज को स्कैन करना है विथ द स्प्रिंग कंपोनेंट्स या स्प्रिंग की जो क्लासेस है जिसके ऊपर एट द रेट कॉन्फिग्रेशन या फिर स्प्रिंग के जो क्लासेस क्लासेज इसके ऊपर एट द रेट कंपोनेंट वगैरह लगाए तो इन तीनों की वजह से इन तीनों की आ, कह सकते हो लाइन की वजह से हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है कि भाई हमें कॉम को स्कैन करना है तो कॉम के अंदर ये भी स्कैन हो जाएगा ये भी स्कैन हो जाएगा ये भी स्कैन हो, हो जाएगा वो पैकेज उसके साथ साथ सब पैकेज भी ये इंक्लूड होता है ये चीज़ याद रखिएगा बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एंड एक बार हम टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे कि भैया ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो मैं ऑन फे कॉन्फेगरिंग क्लासेस सेव करेंगे एंड देखते हैं हमने एक बार री डिप्लॉय कर लेते हैं क्लिक करेंगे रन एस अभी हम ब्राउजर को नहीं देखेंगे अभी हम क्या करेंगे अभी हम सिर्फ कंसोल को देखेंगे कि भैया कॉन्फिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमने अपना एप्लीकेशन रीस्टार्ट कर दिया एंड लेट्स कहीं आउटपुट आया कॉन्फिगरिंग क्लासेस तो मुझे लग नहीं रहा ये देखिए आ गया आ गया आ गया कॉन्फिगरिंग क्लासेस इसका सिंपल मतलब है कि हमारे पास ये आउटपुट आ गया इसका मतलब ये वाला ऑन स्टार्टअप मेथड चल चुका है और ऑन स्टार्टअप मेथड चल चुका है तो हमारा ये भी चला होगा और ये भी चला होगा इन दोनों से हमारा हुआ क्या इन दोनों से हमारा डिस्पेंसर सर्वेट कॉन्फिगर हो चुका है और यहाँ पे हमारा लिसनर भी कॉन्फिगर हो चुका है और हमारा कॉम के अंदर जितनी क्लासेस होंगी वो तो सब स्कैन हो चुके होंगे तो अब हम हमारा कंट्रोलर तो बन चुका होगा लेकिन कंट्रोलर के ऊपर देखिए ये भी स्कैन हो चुका होगा बट मैं क्या करूँगा मैं

एडिंग द एनोटेशन ऑन कॉन्फिग्रेशन क्लास इंपोर्ट स्प्रिंग एमबीसी कॉन्फिग्रेशन फॉम वेब एमबीसी कॉन्फिगर सपोर्ट तो यह वेब एमबीसी कॉन्फिगर सपोर्ट से वो सारी स्प्रिंग एमबीसी कॉन्फिग्रेशन ले आएगा तो मैं कहूँगा ठीक है भाई अगर सारी कॉन्फिग्रेशन नहीं आएंगे स्प्रिंग एमबीसी की तो हमारा चलेगा कुछ नहीं बस इतना आपको करना था यह एनोटेशन इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ में अब हमें यहाँ पे व्यू रिजॉल्वर कॉन्फिगर करना है तो व्यू रिजॉल्वर याद करिए हमने बीन बनाई थी वहां पर तो हम यहां पर बीन बना सकते हैं कैसे देखिए बीन बनाने के लिए यहाँ पे एक मैथड बना होगा पब्लिक view resolver of view resolver और हम यहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड ऑफ रिजॉल्वर एंड इसके अंदर दो चीज कॉन्फिगर करेंगे एक तो हम सेट करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी थी तो नॉर्मल सेट प्रीफिक्स डालेंगे प्रीफिक्स में हम क्या डाले थे वेब आई के अंदर व्यूज उसके बाद हम यहाँ पे रिजॉल्वर डॉट सेट सफिक्स और यहाँ पे डॉट जीएसपी डाल देंगे वही चीज कॉन्फिगर कर रहे हैं बट तरीका बदल गया एंड फाइनली हम क्या करेंगे अपने रिटर्न कर देंगे रिजॉल्वर एंड मैथड के ऊपर यहाँ पे एट द रेट बीन लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है तो यहां पे बीन लगा दिया बस ये चीज अपने आप कॉन्फिगर हो जाएगी इतना आपको करना है अब क्या होगा जैसे आप, आप आपका अपलीकेशन डिप्लॉय होगा आपका ये कॉन्फिग्रेशन हो जाएगी दैट मीन डिस्पैचेस अल्फेट कॉन्फिगर हो जाएगा इन दोनों लाइन की वजह से एंड हमारा ये लिसनर ऐड right हो जाएगा कॉन्टेक्स लोडर लिसनर जिसके अंदर हमने अपना ये वाला पास कर दिया है एनोटेशन वेब जिसके अंदर मैंने ये सेट कर रखा है कि हमें कॉम पैकेज को स्कैन करना है तो ये कॉम पैकेज स्कैन हो जाएगा और कॉम पैकेज स्कैन होगा तो इसे मिल जाएगी ये वाली क्लास और ये वाली क्लास जैसे मिल जाएगी ये इनेबल ले आएगा स्प्रिंग एमबीसी सपोर्ट

ये देखे लॉग इन चल रहा है एंड इफ आई विल हिट ऑथेंटिकेट तो हमारा ऑथेंटिकेट भी चलेगा ये देखिए ऑथेंटिकेट भी चल रहा है एंड और भी कुछ मैंने डाला था शायद 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 और भी कंट्रोल कोई था होम पे स्लैश था एंड ऑथेंटिकेट सही था तो सही चल रहा है दैट मीन हमारा कॉन्फिकेशन एकदम डन है परफेक्ट है ओके okay, एक तरीका और है इस हमारे एप्लीकेशन को डिस्पैचर सर्वर को क्या करने का डिस्पैचर सर्वर को अगर हमें एनसलाइज करना है तो हमारे पास एक क्लास और है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ्डिक डिस्पैचर सर्वेट इनसलाइजर उसके हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं काम कैसे देखिए हम लोग इस क्लास को हटाएंगे मैं क्या करूँगा इस क्लास को आ, इसको रीनेम करूंगा एंड रीनेम रिफैक्टर री रीनेम एंड देर मैं क्या करूँगा इस क्लास का कंटेंट मैं रखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ ट नाम से एंड डॉट टेक्स फाइल बना दूंगा एंड ऐप के अंदर जितना कंटेंट है वो सब मैं वेब इनिट के अंदर डाल दूंगा कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा मैं इसको क्या करूंगा पुश कर दूंगा गिढ़ पे एंड फाइनली ऐप इनिट को मैं क्या करूंगा डिलीट कर दूंगा तो हमारा अब ये वाला कोड नहीं चलेगा ये वाला कोड नहीं चलेगा तो हमारे डिस्पैचेस हल्लेट कॉन्फिक नहीं होगा एंड साथ ही साथ में हमारी कॉम पैकेज स्कैन नहीं होगी एंड ये सब नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी ये सब चलेगा भी नहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं हम आप दूसरा तरीका यूज करेंगे काम करने के लिए हम क्या करेंगे हम डिस्पैचर सर्वेट को इनिशिलाइज करेंगे विद्प ऑफ एब्सटेक एनोटेशन कॉन्फिक्ट डिस्पैचर सर्वेट इनशिलाइजर से एक क्लास बना लेंगे एंड हम लोग क्लास बनाएंगे राइट right क्लिक करेंगे कॉन्फिक्ट पे न्यू पे चलेंगे एंड यहां पे हम लोग क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा ना, कुछ भी दे दे सकते हो मैं कहूँगा डिस्पैचर सर्वरेट इनिशलाइजर इनिशलाइजर मैं इनिट दे दूंगा शॉर्टकट एंड आई थिंक ये क्या है ये एक इंटरफेस है लेट्स ट्राई हम कहेंगे एब्सट्रैक्ट नहीं, नहीं, नहीं। एक बार हम चेक करेंगे आप दबाइए कमांड सिप्ट टी पिन कंट्रोल टी एंड यहां पे आप टाइप करिए एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फ्ट डिस्पैचेस सर्वी ये क्लास है गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लास है अगर ये एब्स्रेट क्लास है एब्सट्रेट क्लास है एब्सट्रेट क्लास है, है, है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे जो एब मेथड है उन्हीं को हमें डालना पड़ेगा यहां पे तो एनोटेशन अब इसके एन मेथड को हम वराइट करेंगे और उन्हीं के अंदर पूरी कहानी छिपी हुई है हमें इस पर क्लिक करेंगे या इस पर जाके कमांड वन ये, ये तीन मेथड्स है तीन में सिर्फ अभी के लिए हमें ये दोनों का यूज है बस गेट सलिट मैपिंग्स में हम अपनी मैपिंग बता देंगे एक एरे है जिसके अंदर मैपिंग बता देंगे इस डिस्पैचर सलरेट की मैपिंग क्या होगी तो हम यहाँ पे एक एरे है हम कहेंगे स्ट्रिंग एंड एक अनोनमस एरे मैंने बना दिया एंड मैंने कहा ये देखिए ये मैपिंग है एक काम तुम्हारा हो गया मैपिंग वाला काम दूसरा काम हमारे पास कोई एनोटेशन क्लास या कॉन्फिक क्लास बतानी है जिसके अंदर मैंने कॉन्फिकेशन यूज़ कर रखा हो बाकी एनोटेशन यूज़ कर रखे हो तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक हमें और एरिया बनानी है क्लास क्लास के एरे तो ठीक है हम हाँ यहाँ पे क्लास क्लास की एक बना देते हैं और यहाँ बता देते हैं अपनी वो वाली क्लास ऐप कॉन्फिग वाली क्लास जिसके ऊपर मैंने कॉन्फिग्रेशन एंड इनेबल वेब एम यूज़ कर रखा है तो ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कहेंगे ऐप कॉन्फिग डॉट डॉट क्लास ये देखिए तो अपने आप से इस क्लास को वो डिटेक्ट कर लेगा अपने आप से एंड मैपिंग तो हमने बता ही रखी है यार मैपिंग वाली कहाँ मैपिंग ये देखिए तो जैसे आप ये ये अपने आप क्लास डिटेक्ट हो जाएगी जैसे डिटेक्ट होगी तो कॉन्फिगरेशन यहाँ डाल रखा है हमारा इनेबल हो जाएगा एंड साथ ही साथ में हमारे एक चीज मैं वो बताऊंगा कि हमें स्कैन करना है तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन इन्विडेशन करूँगा कंपोनेंट स्कैन एंड यहाँ पे मैं उसको बेस पैकेजेस और हमें बेस पैकेजेस में शुरू शुरू कर दो भाई कॉम से तो आप कॉम से स्टार्ट कर दो बेस पैकेजेस बेस पैकेजेस देखिए तो हम काम कॉम से स्टार्ट करेंगे तो काम ही रहना कूल ही रहना ठीक है तो हम कॉम से स्टार्ट करेंगे मतलब कॉम से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे तो पर्टिकुलरली यही कॉम वाला पैकेज स्कैन होगा एंड कॉम के अंदर तो सब चीज रखी हुई है तो सारी चीजें कंट्रोल्स वगैरह सब स्कैन हो जाएगी अगर आपको पर्टिकुलर कोई सब पैकेज स्कैन करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस भी दे सकते हो ठीक है बस इतना करना था तो जो वेब अप्लीकेशन इन्सलाइजर हम लोग कर रहे थे इतना मेहनत करके बस आपको ये वाला एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन कॉन्फिक्ट डिस्पैचेज सर्वर है इन्सलाइजर यूज करना है और यहाँ पे दो चीज बतानी है एक तो अपनी एक कोई कॉन्फिक क्लास पास कर दो इसके ऊपर डाल रखें एंड एक मैपिंग बता दो की। बस अब आप क्या करिए अपने को और आपका काम हो जाएगा देखिए इतना मेहनत एंड हियर वी गो ये देखिए हमारा मेन एप्लीकेशन चल रहा है एंड यहाँ पे हम लॉगिन डालते हैं ये देखिए लॉगिन भी चल रहा है मतलब कंट्रोल्स चल रहे हमारे स्प्रिंग एमबीसी के कंट्रोल चल रहे क्टेड करिए देखिए हमारा ये भी कंट्रोल चार तो इस तरह से आप काम कर सकते हो दैट मीनस हमने दोनों तरीके आपको बता दिए कि आप दोनों तरीके से कैसे चीजें एनालाइज कर सकते हो आप वेब एप्लीकेशन एप्लीकेशनर करके ऑन स्टार्टअप मैथड के अंदर कोड लिख सकते हो या फिर एनोटेशन एब्स एनोटेशन नोटेशन डिस्पैचर सैलवेट इनसेलाइजर को एक्सटेंड करके एंड गेट कॉन्फ्लिक क्लासेस गेट सर्वेट कॉन्फ्लिक क्लासेस गेट सलवेट मैपिंग ये तीन मैथड को ओवर करके भी आप अपने एप्लीकेशन को एनेसलाइज कर सकते हो डिस्पैचर को कोई कर सकते हो एक बार जब आपको कॉन्फ्रिकेशन क्लास यहाँ पे मिल जाएगी ये ये कारण कॉन्फ्रिकेशन आप चला लोगे यहाँ से उसके बाद तो आप कुछ भी करो इसके अंदर आप एनोटेशन लगाओ एक लगाओ दो लगाओ तीन लगाओ दूसरे क्लास को स्कैन करो तीसरे क्लास को स्कैन करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे स्मीन बनाओ कुछ भी करो आई थिंक आप कर लोगे तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखा कैसे हम लोग प्योर जावा यूज़ कर सकते हैं दो तरीके कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन को इनसलाइज कर सकते हैं और हम कंपोनेंट्स को भी इनसलाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर डिस्पैच सर्वेट को कैसे लगा सकते हैं वो सब चीज़ हम लोगों ने डिटेल में देखी पिछला वीडियो नहीं देखा तो यार जाके देख लीजिए क्रैश कोर्स टाइप था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कैसे एग्जामल यूज़ करेंगे पूरा हम लोगों ने इक्लिप्स वगैरह सब चीज़ कॉन्फिगर भी किया था लेटेस्ट वर्जन पर तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके भी देख लीजिए एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड आपको क्या करना है बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे जय हिंद जय भारत पा बाय